चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स तो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट अब हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट देखे थे ठीक है जो दो टाइप का होता था स्केलर प्रोडक्ट या हम यूँ कहें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे अगर ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है आपकी दिस विल बी द फर्स्ट एक्सप्रेशन हम क्या कह सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी सपोज हम एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं और हम देखते हैं कि ए डॉट बी क्या आएगा ए डॉट बी एक स्केलर uh, प्रोडक्ट है बी और सी का इसका मतलब ये कोई एक नंबर आएगा ठीक है समथिंग टू फोर माइनस थ्री माइनस फाइव ठीक है कुछ कुछ भी नंबर आएगा और नंबर का uh, किसी वेक्टर से अगर नंबर और वेक्टर के बीच में डॉट लगा हुआ है तो डॉट इज़ अ ऑपरेटर फॉर ऑपरेटिंग टू वैक्टर्स दैट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर फॉर टू वैक्टर्स नॉट अ वेक्टर एंड नंबर दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन हुई आपकी ये मीनिंगलेस हो गई दैट विल बी मीनिंगलेस इसका कोई मतलब नहीं है क्यों कुछ ये ऐसा ही है ए डॉट फाइव टाइप का दैट टाइप एंड दैट इज द मीनिंगलेस सिमिलरली हम सेकेंड देखते हैं सेकेंड में हम लोग अगर पहले इसे ऑपरेट करते हैं ठीक है ए डॉट बी को तो ये नंबर आएगा और नंबर नंबर के बाद उसे हम सी uh, के साथ क्या देखेंगे उस नंबर को सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो ये भी एक मीनिंगलेस हो जाएगा लेकिन ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कि पहले ऑपरेट अगर इसे करते हो बी बी क्रॉस सी को तो जो B क्रॉस C को जब पहले ऑपरेट करोगे तो चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है इट्सल्फ एक वेक्टर आएगा ठीक है तो सपोज कुछ आ, आ, नीटा गैप होगा तो A डॉट दिस नीटा गैप तो हम लोग ये कहेंगे कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट आएगा फिर ठीक है इसका मतलब B क्रॉस C क्या आया B क्रॉस C आपका एक वेक्टर आया उस वेक्टर का a के साथ स्केलर प्रोडक्ट दैट मीन्स फाइनली क्या हो रहा है ज एज ए स्केलर इसका मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट है और तीन वेक्टर का है तो हम लोग इसे कह सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि क्रॉस पहले ऑपरेट होगा यहां एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना है तो हम कहेंगे कि चाहे हम बी क्रॉस सी को पहले ऑपरेट कर लें देन ए को ऑपरेट करें या ए क्रॉस बी को ऑपरेट करें देन को ऑपरेट करें तो ये चीज़ नहीं हो सकती है यहाँ पर फिक्स है कि क्रॉस पहले ऑपरेट होगा ठीक है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। लगी है तो कोई बात नहीं है सिमिलरली यहाँ पे भी क्रॉस पहले ऑपरेट होगा तो ए क्रॉस भी पहले ऑपरेट होगा जो एक वैक्टर देगा और उस वेक्टर का सी के साथ स्केलर प्रोडक्ट फाइनली ये क्वान्टिटी क्या आने वाली है आपका एक स्केलर आने वाली है इज़ ए स्केलर चलिए तीसरे में देखते हैं B cross C, B क्रॉस C एक वेक्टर होगा ठीक है B क्रॉस C एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर का फिर A के साथ फिर वेक्टर प्रोडक्ट तो फाइनली क्या प्रोड्यूस हो रहा है इज ए वेक्टर इज ए वेक्टर चूंकि ये तीन वेक्टर का वैक्ट तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है जो एक सेल्फ एक वेक्टर आ रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सिमिलरली ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा आपका ए क्रॉस बी वेक्टर होगा देन देन आपका सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एक फिर एक वेक्टर आ जाएगा इज वेक्टर और इसे भी हम लोग क्या कहेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट तो ऊपर यार ए डॉट बी क्रॉस सी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था दैट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी अब अगर हम बी क्रॉस सी देख अगर यहाँ ला होल्ड करते हैं तो अगर ए क्रॉस बी पहले देख लें ठीक है तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा उसका सी के साथ वेक्ट, आ, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ये फाइनली एक वेक्टर प्रोड्यूस होने वाला है लेकिन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो वेक्टर होगा वो ए बी के प्लेन में होगा ठीक है मतलब अगर हम लोग ये कहते हैं कि कोई वेक्टर आपका ये वेक्टर आपका कोई सपोज़ ये बी है और ये वेक्टर आपका कोई ए है तो जो आ, जो आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ये पूरा का पूरा वेक्टर, ये पूरा वेक्टर, कुछ इसी प्लेन में आएगा ठीक है तो ये आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब ए बी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी ठीक है ये तीनों ही कोप्लेनर वेक्टर होंगे ठीक लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि b क्रॉस c को पहले ऑपरेट कर लेते हैं तो b क्रॉस c पे ब्रैकेट लगाने का मतलब हुआ कि ये जो ये जो वेक्टर होगा b और c के प्लेन में होगा मतलब अगर हम लोग b ऐसे लेते हैं ठीक है और c कुछ इधर लेते हैं तो ये आपका b वेक्टर हो गया ये आपका c वेक्टर हो गया तो जो b क्रॉस c होगा वो इस प्लेन में होगा क्रॉस C तो क्लियर सी बात है कि जो आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी है और ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ये दोनों वेक्टर के प्लेन अलग अलग है तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी वाइल ए क्रॉस बी क्रॉस सी वे ब्रैकेट प्लेस्ड बी एंड सी तो ये बी और सी के प्लेन में होंगे दे नेवर बी इक्वल तो हम लोग ये कहेंगे कि ये वेक्टर्स कभी इक्वल नहीं एसोसिएटिवला मतलब जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये एसोसिएट ला होल्ड नहीं करता है दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एसोसिएटिवला होल्ड नहीं करता है जबकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसोसिएटिवला ये भी होल्ड नहीं करता था इसमें भी पता था कि आपको क्रॉस पहले ऑपरेट करना है तो जो ट्रिपल प्रोडक्ट्स हैं ये एसोसिएटिवला होल्ड ही नहीं करते हैं ठीक है ना no. अब नेक्स्ट में मूव करते हैं ठीक है ए बी सी यार इसके बीच में कोई ऑपरेटर ही नहीं लगा हुआ है अगर ऑपरेटर नहीं लगा हुआ है इसका मतलब हम क्या बताएं कि ए और बी के बीच ए और बी क्या प्रोड्यूस करेंगे वेक्टर स्केलर क्या प्रोड्यूस कोई पता ही नहीं है मतलब अगर ऐसे एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो वो आपकी मीनिंगलेस हो गई ठीक है मीनिंगलेस मीनिंगलेस सिमिलरली यहाँ पे ए और बी का पता नहीं है कि इनको कैसे ऑपरेट करना है तो ये भी आपकी मीनिंगलेस हो गई यहाँ पे ठीक है ए और बी का पता ही नहीं है अब जो आएगा पता नहीं स्केलर आएगा वेक्टर आएगा फिर इसी के साथ ऑपरेट करना है तो ये भी आपका मीनिंगलेस हो गया ऑपरेटर का होना जरूरी है दो वैक्टर क्योंकि दो वैक्टर को दो वैक्टर को जो ऑपरेट किया जा रहा है किस ऑपरेटर से किया जा रहा है प्लस किया जा रहा है माइनस किया जा रहा है ठीक है तो कौन सा बैनरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई ठीक है और मल्टीप्लाई में दो हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड तो ऐसे करते ही नहीं हैं हम लोग वेक्टर्स को क्यों बिकॉज वेक्टर आर नॉन कम्फरेबल ठीक है वेक्टर्स आर नॉन कम्फरेबल तो ये भी आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया दैट इज ये एक वेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन ये नहीं पता है कि कौन से मतलब यहाँ पे आपको एसोसिएट ला होल्ड तो इज अ वेक्टर ये सर्टेनली वेक्टर आएगा लेकिन ये दो वेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है डिपेंड करता है कि हम